कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहाँ पे बिना पैसे के काम ना होता हो। तो आपने क्यों लिया? आपको कैसे सैलरी नहीं मिलती? नहीं सैलरी मिलती है। तो क्या सर्वे 500 रुपए में क्या सहयोग कर दोगे? नमस्कार, मैं आपकी अंशिता डंग NBC24 के माध्यम से एक बार फिर आप सबका स्वागत करना चाहूंगी। बताना चाहूंगी एक बार फिर से आपको हरियाणा के जिला यमुनानगर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सबके बीच में पेश करने जा रहे हैं। हरियाणा के जिला सचिवालय में, जी हाँ, हरियाणा के जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय में डीआरओ के रीडर, जी हाँ, सरेआम डीआरओ के रीडर ने रिश्वत ली। जी हाँ, एक व्यक्ति जो कि जिला यमुनानगर का निवासी था, जिसका डीआरओ ऑफिस में केस चल रहा था, वो आज केस की कार्रवाई के लिए डीआरओ के रीडर के पास पहुंचा और वहीं पर उस वक्त डीआरओ के रीडर ने, जी हाँ बता दे, डीआरओ के रीडर का नाम संजय है, जिन्होंने रिश्वत मांगी और कहा कि इस केस का हम खत्म कर देंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से, कि किस तरह से रिश्वत लेते पाया गया डीआरओ का रीडर। जिला यमुनानगर की सबसे बड़ी खबर आपके बीच में साझा करते हुए। वो विक्रम दादा है, वो तो भी आया थे। आ जाएगा अभी, दो हो रहा है, चिराग गुजर है। तीन तो आ गए, बाकी आ जाएंगे साइन तो आज शाम तक कर देंगे। मेरा तो निपटा होगा, बस आज निपटा होगा, बस बस आज निपटा दो इसे, ठीक है जी। धन्यवाद। साइन क्यों नहीं करना? साइन तो कर दिया मैंने, साइन मैंने पहले कर दिया, ठीक है जी। लो जी, ये भाई साहब है। जाइए भाई, मोबाइल पीछे रखो। लाज मैंने हाथ में दिए हैं, ऊपर वाली जेब में रखे हैं, चेक करो। नोट निकालो, नोट नंबर ये नोट निकालो बाहर, ये है नोट नंबर। क्या नंबर है? 136 310। ये नोट निकालो, ऊपर वाली जेब में निकालो, ऊपर वाली जेब में अभी निकालो, दोबारा रख लिया अंदर, साइड में गिर लिया होगा, छोटा में छोटा दीजिए, पत्रकार भी खड़े यहाँ सारे, 500 रुपए मौके पर और वो केस खत्म करने के साइन हो चुके थे, मैं साइन कर नहीं आया था, साइन कर चुका था। छह महीने से ऊपर का टाइम लग चुका है, तो आपने क्यों लिया? आपको कैसे सैलरी नहीं मिलती? नहीं सैलरी मिलती है, तो क्या आप सर्वे 500 रुपए में केस खत्म कर दोगे? आपने 500 रुपए ऐसा है जी, एक 107-50 का केस चल रहा था अगस्त 2023 से, और वो केस आज खत्म होना था, लास्ट डेट थी, मैं साइन करने ही आया था उसके, और भी 6 लोग आने थे, 3 लोगों के हमारे साइन हो चुके थे। तो ये जो भाई साहब, मुझे नाम तो नहीं पता, इन्होंने मुझसे बोला कि केस ख़त्म कर दूंगा, 500 रुपये दे दो एक आदमी के नाम के। मैंने कहा जी मैं एक बार बाकी सबसे बात कर लेता हूँ और जैसा भी होगा देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने, मतलब मैं थोड़ी देर बाद जब ऊपर आया सब लोगों को फ़ोन करके, तो मैंने 500 रुपये दिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है पूरी की पूरी, और जो नोट था मैंने उसकी पहले ही फ़ोटो खींच ली थी, जो मैंने इनको दिया है, और वो अभी भी पुलिस 112 बुला के हमने वो
करा दिया है नोट, नोट नंबर सेम है। और अब आगे क्या वीडियो है आपके पास इनकी? बिल्कुल बिल्कुल वीडियो है जी, बिल्कुल पैसे लेते हुए वीडियो है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ जी, ये जो रिश्वत खोरी है ये बंद होनी चाहिए। और हमारी ये जो खट्टर सरकार है ये बार बार एक ही बात बोलती है कि बिना जीरो खर्ची बिना पर्ची ये काम होते हैं, ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहाँ पे बिना पैसे के काम ना होता हो। कौन अधिकारी है ये? DRO के असिस्टेंट है जी, रीडर, जिला राजस्व अधिकारी के। केस क्या था? केस 150 का केस था जी, एक थाने में किसी और ने मारपीट की, हम लोग कंप्रोमाइज कराने गए थे, हम लोगों ने वहाँ साइन किया, हमारे नाम पे ही 150 के पर्चे बना दिए। अब 500 रुपए में केस खत्म हुआ या डेट आगे मिली है? नहीं, केस खत्म होने की बात इन्होंने की थी, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, इन्होंने कहा क्योंकि उसमें 6 साइन होने होते हैं, टोटल जो केस है वो 6 महीने में खत्म होना होता है, लेकिन 8 महीने हो गए वो केस चलते हुए, और आज लास्ट 6 साइन इन्होंने गिनवाए मेरे को भी कि 6 साइन हो चुके हैं, आज हम खत्म कर देंगे, आप 500 रुपए दे दो। के लिए दीजिए इजाजत और आई कवरेज के लिए जुड़े रहिए, मैं आपकी अंशिता दंग इजाजत लेती हूँ, NBC 24 की रिपोर्ट।